स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है फिजिक्स में, कि कौन से फॉर्मूले लगते हैं, कौन सी आइडेंटिटीज लगती हैं, कब सीरीज एक्सपेंशन होता है, एपी में कैसे यूज़ है, जीपी का कैसे यूज़ है, डिफ्रेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। क्लियर है बच्चों इतनी बात? और मैंने देखा है कि जो बच्चे 10th से 11th में आते हैं या फिर जो बच्चे बायो के स्टूडेंट होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में मैथ का यूज़ करते हुए। पर्सनली मैंने देखा है कि भाई, जैसे ही किसी डेरिवेशन में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आ जाता है तो बस बच्चों के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपकी फिजिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और दूसरी बात, आपकी सिर दर्द की गोलियां बच जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बच्चों हम एलजेब्रा से। एलजेब्रा का क्या क्या हम देखेंगे? तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला है हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में सबसे पहले है कॉमन आइडेंटिटीज। क्लियर है? कॉमन आइडेंटिटीज, सबसे पहले बच्चों आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? तो सबसे पहले आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद होगा आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। को दिक्कत? चलो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप लोगों ने पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? चलो भाई, अब आपने देखा होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपने देखा होगा a माइनस बी की क्यूब, तो क्या फॉर्मूला था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, और कुछ फॉर्मूले आपने देखे होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी आपने फॉर्मूला देखा होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है इतनी बात? आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला देखा होगा बच्चों, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। को दिक्कत वाली बात? एक और देखो बच्चों, हम फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, किसको, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ, तो बच्चे देखो क्या होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और साथ में मिलेगा 2b स्क्वायर। आप 2 कॉमन ले सकते हो तो क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब आप इन दोनों को बच्चों माइनस कर दो। चलो भाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को बच्चों देखो जब माइनस करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएंगे, तो आ जाएगा 4ab। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो भाई, अब देखो हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी। आइडेंटिटीज का फॉर्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी की क्यूब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? a माइनस बी की क्यूब a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a की क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर हमने इन दोनों को एक बार ऐड किया और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब बच्चों इसी में हम बढ़ते हैं, सेकेंड देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका भी काफ़ी यूज होता है आपका फिजिक्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चों जो भी हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती है, उस इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो सेकंड होनी चाहिए। कैसी ऑर्डर होनी चाहिए बच्चों? सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी आपके पास वेरिएबल है, जैसे एक्स है, तो बच्चों उस एक्स की जो पावर है वो हमारी क्या होनी चाहिए, टू।
क्लियर है, यानी कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जिस भी एल्जेब्रिक इक्वेशंस की ऑर्डर सेकंड है, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम 2 है, तो बच्चों से हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके जनरल इक्वेशन की अगर बात करें तो ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्या होती है जनरल इक्वेशन, किसकी बच्चों क्वाड्रेटिक की। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट लिखो इसको, फिर मैं इसको हटाता हूं। आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो पता चल गई अब, चलो भाई ये आप याद रखोगे सब, वैसे तो आपको मैक्सिमम याद होंगी लेकिन फिर भी मैं एक बार इनको रिवाइज करा रहा हूं। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन है इसके अब फैक्टर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कर सकते हैं बच्चों फैक्टर कर सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें बच्चों जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो बच्चों हमारा क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत वाली बात, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है डिस्क्रिमिनेंट। अब यही हमें बच्चों डिसाइड करता है, यही हमें बताता है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स बच्चों यही बताएगा, नेचर ऑफ रूट्स, क्लियर है कैसे। तो तीन केस में इसके बना रहा हूं, पहला केस है अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, इस डी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई जीरो, तो समझ लो कि आपके रूट्स इक्वल होंगे। तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, तो रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होंगे, लेकिन अगर इस डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ गई, किससे बच्चों जीरो से बड़ी, तो आप समझ लेना आपके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट रूट्स होंगे और इसमें इक्वल रूट्स होंगे, और अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई तो समझ लेना कि जो रूट्स हैं वो नॉट रियल, यानी कि इमेजिनरी रूट होंगे। चलो बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, और एक बात का और ध्यान रखना, वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक DPP दूंगा, आप उसे करना, और उसमें जो भी दिक्कतें आएंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस डाल दूंगा, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अब आपके पास कैसे रूट्स आ गए नॉट रियल, कब, जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर 2x प्लस 5, और आपसे पूछा गया है इसके रूट्स की नेचर, आपसे इसके रूट्स पूछे गए, आपने फॉर्मूला लगाया, उससे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने कंपेयर आप कर सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो बच्चों ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू 3 है, सॉरी यहाँ P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, A की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर है, A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है 2 और C की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमने B की वैल्यू रख दी, A की जगह A की वैल्यू रख दी और C की जगह C की वैल्यू रख दी, कितना आया, तो ये 4 माइनस 60 यानी कि 56, तो ये कैसा आ गया बच्चों निगेटिव, यानी कि अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो बच्चों हमारे रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स नॉट रियल होंगे, कैसे होंगे बच्चों रूट्स कैसे होंगे नॉट रियल। इतनी बात क्लियर हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस है जिसकी मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर 2 है, या आप ये कह सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशंस होगी जो इक्वेशन की हाईएस्ट यानी कि जो सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए, क्लियर है इतनी बात। जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आ जाता तो समझ लो बच्चों रूट्स कैसे हैं रियल और इक्वल हैं, बड़ा आता है जीरो से यानी कि पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन डिस्टेंट होंगे, और अगर डी की वैल्यू कैसी आ जाती है निगेटिव आ जाती है तो समझ लेना कि रूट्स नॉट रियल, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट इसको लिखो। अब देखते हैं बच्चों बायनोमियल थ्योरम, थर्ड पॉइंट की ओर जा रहे हैं अब हम।
यहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों चीजें आपकी क्लियर होगी होंगी, एक आपकी आइडेंटिटीज और दूसरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बच्चों देखते हैं हम तीसरी चीज, बाइनोमियल थ्योरम। ये बच्चों समझ लो बहुत डेरिवेशंस में यूज होती है ये, क्योंकि क्या होता है जब हमारे पास एक्सप्रेशन निकल जाता है तो उस एक्सप्रेशंस को हम थोड़ा क्या करते हैं स्पेशल केसेस में यूज करते हैं, जैसे कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत यूज होगी। क्लियर है इतनी बात? तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, पहले एक्स प्लस वाई की पावर एन, क्या फॉर्मूला है अभी मैं सब बताऊंगा आपको। एन सी जीरो, घबराने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ इसको भी, एन सी जीरो एक्स की पावर एन और वाई की पावर शुरू में जीरो होगी। अगली बार को बच्चों एक्स की पावर घटती रहेगी, इसकी पावर बढ़ती रहेगी, तो अगला आएगा एन सी वन, एक्स की पावर एक कम कर दो, वाई की पावर एक बढ़ा दो। अगली बार को आप समझ गए होंगे, एक्स की एक पावर और कम कर दो, वाई की पावर एक और। ध्यान रखना इनका सम हमेशा एन ही रहेगा, देखो सबका सम क्या दिखाई दे रहा है आपको, एन। ये बात दिमाग में रखना, अगला आप समझ गए होंगे। एन सी थ्री एक्स की माइनस थ्री, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब देखो ये तो हो गया जनरल एक्सप्रेशंस, इसका हम यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एन सी जीरो, मैं यहाँ पर आर मान लेता हूँ, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। ये क्लास इलेवेंथ में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हमें उसमें नहीं जाना, हमें सिंपल अपने फॉर्मूले से मतलब है। एन सी आर का एक फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन, अभी बताऊंगा फैक्टोरियल भी क्या है, अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो ये फैक्टोरियल क्या है, तो देखो फैक्टोरियल का सिंपल सा एक मतलब आप समझ लेना कि उस नंबर की वन तक मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल टू क्या है, तो देखो एक तो टू और उसके बाद क्या आता है वन, यानी कि उस नंबर की हम आगे घटाते चले जाएंगे एक और वन तक उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फैक्टोरियल तीन, तो आप समझ गए होंगे थ्री इंटू टू इंटू वन कितना आसान है। फैक्टोरियल फोर, तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, क्लियर है। फैक्टोरियल फाइव, फाइव फोर थ्री टू वन, क्लियर है। ऐसे आप सिक्स भी निकाल सकते हैं। और बच्चों एक खास बात, ये क्या चीज़ है, तो आप इसे देखो इट्स फैक्टोरियल फोर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फैक्टोरियल फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर। तो फॉर्मूला आप ये याद रख लेना कि फैक्टोरियल एन का मतलब है एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। क्लियर है इतनी बात? तो समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है, कि फॉर्मूले में कि आप किसी को भी ले सकते हो, ये नहीं है कि आप x फिक्स है कि x की पावर आप n लोगे, आप y की पावर n ले लो तो x को जीरो लो, लेकिन दोनों की पावर का सम जीरो ही होगा। क्लियर है इतनी बात? और ncr का फॉर्मूला आप याद रखोगे बच्चों कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे चार है तो चार फिर तीन फिर दो फिर एक, इन सबकी मल्टीप्लाई। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब देखो बच्चों ये तो होगी बेसिस सिक्स, जो हमें यूज होगी सबसे ज्यादा आइडेंटिटीज वो होती है वन प्लस एक्स की पावर एन, हाँ या ना? अब आपके क्वेश्चनों में क्या होगा, आप जब भी डेरिवेशंस या समझ लो कोई आपके पास रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में आपके पास दो चीजें होंगी और उसकी पावर होगी, तो आप क्या करोगे, जो पावर पावर तो है और ये जो तो एक्सप्रेस जो आपके नंबर दिए हुए होंगे जैसे एक्स और वाई कुछ भी दिया होगा, आप उसमें से एक कॉमन लेके एक तो वन बनाओगे, कॉमन उसको लोगे जो बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, जो बड़ा होगा उसे आप कॉमन लोगे। फिलहाल तो अभी जब देखेंगे तब देख लेंगे, फिलहाल बस ये समझो कि अगर x बहुत छोटा है, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, कितनी है बहुत छोटी, देखो फॉर्मूला तो आप इसमें रखोगे लेकिन हमें वो मतलब नहीं है, बस हमें क्या सीखना है, जब भी x की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी, बस दिमाग में ये आए कि इस n को यहाँ पहुँचा देना है हमें, तो 1 प्लस एन एक्स, खत्म। बस इतना सा काम है हमारा बाइनोमियल का, जो भी पावर दिखाई दे फटाफट अंदर मल्टीप्लाई कर दो। और एक देखो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, 1 माइनस एन एक्स, यहाँ पर भी x 1 से बहुत छोटा है। चलो एक और देखते हैं, 1 प्लस यहाँ मैं माइनस ले लेता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर n, तो आप समझ गए क्या होगा, 1 माइनस एन एक्स, मतलब जो भी पावर है उस पावर को आप क्या करोगे, बस सिंपल मल्टीप्लाई और कुछ नहीं है। क्लियर है? और आगे वाले टर्म लिखते ही नहीं है, क्यों नहीं लिखते, कि जब हम आगे टर्म में बढ़ते हैं तो बच्चों हमें हायर पावर्स मिलेंगी एक्स की,
और तुम्हें सोचा होगा और पता होगा कि जब भी हमारा कोई छोटा नंबर होता है तो उसकी जो पावर होती है जितनी बड़ी होती चली जाएगी, नंबर उतना छोटा होता चला जाता है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस आपको एक लाइन याद रखनी है, जब कभी भी ऐसा दिखाई दे कि एक्स वन से बहुत छोटा है, तुरंत पावर को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई में लियो। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है इतनी बात? तो समझ में आ गया कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज होगी। सिंपल एक एक्सप्रेशन याद रखना है कि x प्लस वाई की पावर n हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला होगा? n से 0, x की पावर n, y की 0, दोनों की पावर का सम n रहेगा, एक की पावर घटती रहेंगी दूसरे की बढ़ती रहेंगी, सम कॉन्स्टेंट रहना है। और NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, और फैक्टोरियल क्या है, उस नंबर की वन तक की क्या कर दो सब में मल्टीप्लाई, एक एक कम करते चले जाओ। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5, 4, 3, 2, 1, क्लियर है इतनी बात? और ये याद रखना है कि अगर ये हमारा वेरिएबल इस वन से बहुत छोटा है तो पावर की अंदर मल्टीप्लाई, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट लिखो, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब देखते हैं कि किस तरह से बच्चों हम बाइनोमियल का यूज करते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं, अंडर रूट 1.001, इसको आपको बाइनोमियल का यूज करके दिखा रहा हूं। जैसे आप समझो कि आप इसको ऐसे लिख पा रहे हो क्या, 1 प्लस 0.001 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं? रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ। तो मैंने आपको बताया कि अगर 1 के कंपेयर में ये बहुत छोटा है तो इसकी पावर हम कहां ले आएंगे, आगे। तो 1 प्लस, ये अभी आपको मैंने बताया था कि 1 प्लस x की पावर n है और x बहुत ही छोटा है 1 से, तो 1 प्लस x की पावर n क्या हो जाएगा, 1 प्लस nx, क्योंकि अगले वाले टर्म बहुत, अगले जितने भी टर्म होंगे बहुत छोटे होंगे, उन्हें बच्चों हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो पावर होगी वो आगे आ गई, कितना हो गया, हाफ इंटू 0.001, यानी कि 1 प्लस 0.0005, तो आ गया 1.0005, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे आपसे पूछ ले अंडर रूट 99, ये अब रूट निकालना थोड़ा बड़ा हो जाएगा काम, लेकिन बाइनोमियल से देखो कैसे यूज करेंगे। जैसे आप लिख सकते हो 100 माइनस 1 की पावर हाफ, लिख सकते हो इस पूरे में से आप 100 कॉमन लो, जब आप कॉमन लोगे तो 100 की पावर हाफ मतलब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 10 बाहर निकलेगा, तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? इस पूरे में से 100 को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 10 1 माइनस 0.01 की पावर हाफ। अब 1 के कंपेयर में बहुत छोटा है तो बस लिख देंगे 10 1 माइनस के हाफ 0.01, 10 1 माइनस 0.005, क्लियर है? अब 1 में से आप 0.005 को माइनस कर सकते हो तो क्या बचेगा, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9, यहाँ 9 और ये 9, तो आ गया 10 इंटू 0.995, 9.95, कितना आसान हो गया, क्लियर है? तो बस वो हम बहुत आसानी से बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके ऐसे टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो बच्चों अब हमारी तीन चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है। पहला हमने देखा एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसमें कुछ फॉर्मूले, फिर हमने देखा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा हमने देखा बाइनोमियल थ्योरम, काफी यूज होता है फिजिक्स में इसका बच्चों। अब चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी आप कह सकते हो, प्रोग्रेशन। दो प्रोग्रेशन बच्चों में देखनी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बच्चों क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स आप ले रहे हो, उन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम एपी बोलते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैंने क्या बताया इसमें बच्चों, आपके दो टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। जैसे एग्जांपल आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सोन, अब बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का, इस तरह से जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो बच्चों क्या है, कॉमन है। तो यानी कि जहां पर भी आपको डिफरेंस कॉमन नजर आए समझ लेना वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ठीक है बच्चों? जैसे आपका फर्स्ट टर्म है ए, अगला टर्म लिया a प्लस डी, उससे अगला टर्म a प्लस 2d, उससे अगला टर्म a प्लस 3d एंड सो ऑन, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है
सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म है ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है बच्चों? ए प्लस टू डी। और फोर्थ टर्म क्या है? ए प्लस थ्री डी। तो आप समझ गए होंगे ए फिफ्थ क्या होगा, तो ए फिफ्थ हो जाएगा ए प्लस फोर डी। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां तक क्लियर हो गया कि जो अगर टू है तो ए प्लस डी है, थ्री है तो ए प्लस टू डी है, फोर है तो ए प्लस थ्री डी है, और फाइव है तो ए प्लस फोर डी है। तो इससे मैं बच्चों जनरल टर्म भी तो निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो भाई, अब देखो बच्चों किस तरह से हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे। अब देखो, अब बस आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो भी टर्म है उससे एक कम है, चार है तो तीन है, पांच है तो चार है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं एन लेता हूं तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है तो एन माइनस वन। क्लियर होगी बात इतनी? अब देखो आपके पास ये जो ए है वो आपका फर्स्ट टर्म है। क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म। जो n है वो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है, और जो d है बच्चों वो आपके कॉमन डिफरेंस को बता रहा है। किसको बच्चों? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? और जो an है वो हमारा nth टर्म है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है यहां तक? अब बच्चों आप इससे कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो एक सीरीज दे दी तुम्हारे पास कि 10, 12, 14 एंड सोन, और ये कहा गया बच्चों इसका 50वां टर्म निकालो कि 50वां टर्म क्या होगा। अब ऐसे हिसाब लगाओगे तो ज्यादा देर हो लगेगी, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? तो 10 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? तो बच्चों 2 है। कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कौन सा टर्म निकालना है? तो बच्चों 50 टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? 50। फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो भाई लगाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2, और टर्म निकालना है हमें। चलो भाई क्लियर है यहां तक? 50 माइनस 1 49, तो 49 इंटू 2 कितने होते हैं बच्चों? तो 98, यानी कितना आ जाएगा? 108। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? इससे हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज का कोई सा भी टर्म आप निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो भाई अब देखते हैं बच्चों सम कैसे निकालते हैं। अब हम इसका सम निकालना और सीख लेते हैं कि सम किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपको कोई भी सीरीज दी हुई है तो आप उसका सम निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n by 2, 2a plus n minus 1 into d। ये याद रखना, ये किसका फॉर्मूला है? सम का। अगर आपको कभी भी कोई ap गिवन है तो आप उससे उसका nth टर्म का सम निकाल सकते हैं। एक और यूज होता है बच्चों कि n by 2 आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, उसका सम निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? जैसे एग्जांपल मान लो यही सीरीज ले लेते हैं और इससे आपसे 50 टर्म का सम पूछ लिया जाए तो देखो क्या आता है। 50 टर्म का सम निकालना है तो 50 by 2, a हमारे पास है 10 और 50 minus 1 into d। क्लियर? तो 50 by 2, 20 plus 49 into 2। आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो आएगा 50 by 2, 2 10 plus 49। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 10 प्लस 49 कितने हो गए बच्चों? 59 into 50। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? इसमें से 2 कॉमन ले लिया था, यहाँ बचा 49 और यहाँ बचा 10, तो 49 और 10 हमारे हो गए 59, 59 into 50, तो 5 9 45, और 5 5 25, 25 और 4 हो गया 2950। क्लियर है इतनी बात?
कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना था, तो भाई हमारे पास ए हो गया 10, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने थे तो 50, कॉमन डिफरेंस कितना था तो बच्चों 2, किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को हम क्या कर सकते हैं, माइनस करके उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इससे हमने क्या निकाल लिया बच्चों कि अर्थमेटिक अगर हमारे पास प्रोग्रेशन गिवन है तो उसका हम nth टर्म और उस nth टर्म का जितने भी टर्म है हमारे पास, चलो n 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, जितने भी टर्म हैं आप उसका सम निकाल सकते हैं। तो दो चीजें सीख ली, एक टर्म कैसे निकालें और फिर सम कैसे निकालें। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों अब देखते हैं अगली प्रोग्रेशन को, जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। चलो भाई अच्छी बात है, तो अब बढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ओर। क्या कहती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसे भी देख लेते हैं। चलो भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जैसे बच्चों इसमें कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है, वहाँ पर हम या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या एडिशन कर रहे थे, यहाँ पर या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। जैसे आपके पास है 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो आप क्या करो, देखो इन दोनों का रेशियो कितना है तो 2, और इन दोनों का रेशियो भी क्या है 2, इन दोनों का रेशियो क्या है 2, इन दोनों का रेशियो क्या है 2, इन दोनों का रेशियो क्या है 2, यानी कि रेशियो क्या है कॉमन, यानी कि ऐसी सीरीज जिसमें क्या हो कॉमन रेशियो हो वो हमारी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? जैसे फर्स्ट टर्म अगर मैं ए लूं और कॉमन रेशियो को आर लूं, तो ये अगला क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, उससे अगला क्यूब, उससे अगला 4, ऐसे आता चला जाएगा। तो वही चीज़ है कि सेकेंड टर्म जो है बच्चों वो ये है, थर्ड टर्म क्या है तो ये है, तो ये जो पावर है इस टर्म से एक कम है। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, हाँ है ना। तो ऐसे ही बच्चों मैं nth टर्म भी तो निकाल सकता हूँ, तो nth टर्म हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1, तो ये बच्चों इसका nth टर्म है। यानी कि आपके पास कोई भी सीरीज है जिसका रेशियो कॉमन है तो आप समझोगे कि वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उसका nth टर्म हम निकाल सकते हैं an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 से। जैसे इसी अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितना आता है, तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 2, कॉमन रेशियो क्या है 4/2 यानी कि 2। अब आपको मान लो कौन सा टर्म निकालना है, सपोज करो 100 टर्म निकालना है तो निकालो, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 यानी 2, 2 की पावर 100 माइनस 1 यानी 2, 2 की पावर 99 यानी कि 2 की पावर 100। इस सब टर्म निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब बच्चों देखते हैं सम, कि सम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखो सम के लिए इसमें आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, दो फॉर्मूले क्या हैं। ऐसा ना होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आपको तब लगाना है जब r आपका 1 से बड़ा हो, r क्या हो 1 से बड़ा, और अगर r 1 से छोटा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है बच्चों, किस फॉर्मूले का, इसका, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें से भी माइनस, इसमें से भी माइनस कॉमन लेके काट दिया, बस आप ध्यान रखोगे अगर वन से छोटा है तो नीचे वाला लगाओगे और वन से बड़ा है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है फिजिक्स में हमारे बहुत सारे टर्म यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए होते हैं, तो हम उसका भी कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। फटाफट नोट कर लिया? चलो भाई मान लो आपके पास बच्चों एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि एक सीरीज दी हुई है इनफाइनाइट टर्म्स की और उसमें आपको सम निकालना है। जैसे फर्स्ट टर्म हो गया 1, अगला हो गया हाफ, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो तो 1/2/1 यानी कि 1/2। तो जब भी आपके पास इनफाइनाइट टर्म हो तो उसके सम का फॉर्मूला बच्चों आप याद रखोगे a अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। इनफाइनाइट टर्म कितना a अपॉन 1 माइनस r। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो कैसे यूज करते हैं, a कितना है 1,
कॉमन डिफरेंस को कॉमन रेशियो तो हाफ, तो वन ओवर हाफ तो कितना आ गया टू, कोई दिक्कत वाली बात। तो जब भी इनफाइनाइट टर्म्स हो सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे a अपॉन वन माइनस r, क्लियर है। चलो भाई तो तीनों फॉर्मूले हो गए, nth टर्म निकालना हो तब क्या फॉर्मूला होगा, चलो nth टर्म का भी एक एग्जांपल देख लो, जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। सबसे पहले sn, a कितना है बच्चों, तो a है 2, कॉमन रेशियो कितना है तो वो भी है 2। अब देखो ये जो 2 है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े वाला फॉर्मूला यूज करो, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई a हो गया 2, r भी हो गया 2, कितने टर्म है, मान लो आपको टर्म दे दे 50, तो आप उसमें रख देना, मैंने n टर्म के फॉर्म में ही निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा nth टर्म का सम आ गया, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी देख लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी देख लिया। अब बच्चों कुछ एक्सपेंशन है, ऐसे एक्सपेंशन जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होते हैं वो हमें याद रखने हैं, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है एक्सपोनेंशियल, फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर है बच्चों हमारा लॉगरिथमिक। ये हमारे तीन एक्सपेंशन हैं जो हमें देखने को फिजिक्स में मिलते हैं, तो बस यही हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल, हमारे पास कौन सा नंबर है बच्चों, 6। एक्सपोनेंशियल सीरीज, ओके। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज यानी कि e की पावर x, ये होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसका एक्सपेंशन आपको याद रखना है वो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1। मैंने आपको फैक्टोरियल बता दिया है क्या होता है और आपको याद भी होगा, तो एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, क्लियर है। e की पावर x का 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई तो ये आप एक्सपेंशन याद रखोगे e की पावर x का। अगर मैं इस बच्चों इसमें x की जगह 1 रख देता हूँ, क्या पुट कर दिया मैंने x की जगह 1, तो ये आ जाता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो बच्चों इसकी वैल्यू 2.718 होती है, इसे भी याद रखोगे, क्लियर है। तो ये क्या था, एक्सपोनेंशियल सीरीज e की पावर x का। चलो भाई अब देखो अगली सीरीज क्या है, अगली हमें याद रखनी है लॉग की, तो लॉग अर्थमिक, लॉग अर्थमिक सीरीज, ठीक है भाई। लॉग अर्थमिक सीरीज हमें क्या कहती है, लॉग अर्थमिक यानी कि हमें लॉग, ध्यान रखना इसका जो बेस होता है वो बच्चों ई होता है, ई मतलब ये वाला, ठीक है। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, क्लियर है। और अगर आप 1 माइनस एक्स का लेना चाह रहे हैं तो जहां पर भी एक्स है उसकी जगह माइनस रखोगे तो सारी चीजें निगेटिव बन जाएंगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, क्लियर है। अब अगर मैं x की जगह 1 रख देता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन में, अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन। यानी कि आपको याद रखना है कि log बेस e 2 की वैल्यू हमारी होती है 1 माइनस हाफ, 1 बाई 3, 1 बाई 4 एंड सो ऑन, ये आपको याद रखनी है। तो आपके दो एक्सपेंशन हो गए, एक हो गया एक्सपोनेंशियल और एक हो गया लॉगरिथमिक, ये दोनों आपको याद रखने हैं। 1 प्लस एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। अगर आप x की जगह 1 रख दो तो आपके पास ये एक्सपेंशन आ जाएगा, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या है, तो अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की ओर। तो उसमें भी हमें देखो बच्चों साइन कोस और बस टेन के ही याद रखने हैं और हमें याद नहीं रखने क्योंकि मेन हमारे वही हैं। चलो भाई उन्हें भी देखते हैं क्या होते हैं वो।
ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हमारे पास है। तो साइन एक्स का हम एक्सपेंशन देख रहे हैं, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। क्लियर है इतनी बात? तो ये आप याद रखोगे किसका, साइन एक्स का। और अगला होता है बच्चों कोस एक्स, तो कोस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसमें ओड पावर है तो बच्चों इसमें इवन पावर है। क्लियर है? ऐसे ही आप टेन एक्स का भी याद रख सकते हैं, टेन एक्स का होता है एक्स प्लस एक्स की क्यूब बाय 3, 2 बाय 15 एक्स की पावर 5। ये हमारा टेन एक्स का है। क्लियर इतनी बात? चलो भाई, तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिवाइज करो एक बार। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, एलजेब्रिक यानी कि कॉमन आइडेंटिटीज, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरी बायनोमियल थ्योरम, चौथा एपी, पांचवा जीपी, छठा हमने देखा कौन सा एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल, सातवां आपने देखा लॉगरिथमिक, और आठवां बच्चों हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। क्लियर है? चलो बच्चों, अब हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है हमारी क्या है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, यानी कि एंगल से। क्या होते हैं बच्चों एंगल? देखो भाई, एंगल क्या है, अगर मैं एक रे लेता हूं, ये है, ये इसकी इनिशियल साइड है, और मैं इसको क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, ये रोटेट होके कहां जाए, यहां पर, ये क्या हो गई टर्मिनल। ये कौन सी साइड होगी बच्चों, टर्मिनल साइड। यानी कि अगर हम किसी भी रे को जितने अमाउंट से रोटेट करते हैं, जितने अमाउंट से हमने क्या करा बच्चों, इसको रोटेट करा, किसके अबाउट, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, उसे बोलते हैं हम क्या, एंगल। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं किसी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, किसके अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं इसको बच्चों पॉजिटिव लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो बच्चों कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर है इतनी बात? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। समझ में आ गया एंगल क्या है, यानी किसी भी रे को जिस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, जिस भी अमर के नाम अमाउंट ऑफ रोटेशंस देख रहे हैं, किस रोटेशन को किस अमाउंट से रोटेट किया है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, एंगल। यानी कि हमारे पास एक रे थी जो इनिशियल थी, उसे कितने अमाउंट से रोटेट कर दिया बच्चों, वो हमारा क्या होता है, एंगल। अब एंगल को हम तीन सिस्टम्स में हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहला आता है हमारे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसके अंदर बच्चों आपका ये ध्यान रखना, जो वन राइट एंगल, क्या ये आपको पता भी होगा कि वन राइट एंगल जो होता है वो आपका कितना होता है, तो वो आपका 90 डिग्री होता है। वन राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज। क्लियर है इतनी बात? और एक डिग्री कितना होता है, तो बच्चों एक डिग्री होता है आपका 60 मिनट्स, और एक मिनट आपके पास कितना होता है, तो 60 सेकंड। क्लियर है? एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एक डिग्री 60 मिनट, एक मिनट 60 सेकंड, किसके अंदर, सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब बच्चों हम देख रहे हैं दूसरा हमारा होता है सेंटीसिमल सिस्टम। ये हो गया, चलो भाई अब अगले की ओर बढ़ते हैं, सेंटर सेंटीसिमल सिस्टम। अगला है सेंटीसिमल सिस्टम, इसके अंदर बच्चों जो हमारा राइट एंगल है, तो वन राइट एंगल आपका इक्वल होता है 100 ग्रेड्स, ये याद रखोगे किसमें, 100 ग्रेड्स, और वन ग्रेड जो होता है बच्चों
वो आपका कितना होता है, तो वो होता है 100 मिनट्स। और 1 मिनट कितना होता है इसके अंदर, तो वो होता है 100 सेकेंड्स। क्लियर है इतनी बात? तो एक राइट एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एक डिग्री कितना हो गया तो 60 मिनट, एक मिनट कितना हो गया तो 60 सेकेंड। अब इसमें आते हैं तो वन राइट एंगल कितना हो गया 100 ग्रेड्स, एक ग्रेड कितना हो गया 100 मिनट, और एक मिनट कितना हो गया 100 सेकेंड। इतनी बात क्लियर है? और तीसरा सिस्टम बच्चों जो हमारा है वो होता है सर्कुलर। कौन सा? सर्कुलर सिस्टम। इसके अंदर बच्चों जो एंगल को मेजर करते हैं वो हम रेडियन में करते हैं। किसमें? रेडियन में। चलो भाई फटाफट इसको नोट करो, देखते हैं फिर हम भाई आगे कि किस तरह से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? चलो भाई, अब देखो बच्चों, आपके पास ये एक सर्कल मैंने ले लिया। इस सर्कल का ये हमारी क्या हो गई? आर्क। और ये क्या हो गया? एंगल। और ये क्या हो गई? रेडियस। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं एक रेडियन की बात करता हूं तो एक रेडियन कब होगा? तो एंगल इज इक्वल टू, ध्यान देना, अगर आर्क और रेडियस बराबर हो जाए, मतलब जिस रेडियस की आप देख रहे हैं कितनी है रेडियस इसकी आर। अब ये सर्कल जो है अगर आर रेडियस का है तो, और मैं इसके आर्क को भी आर रेडियस आर ले लूं, तो दोनों की दोनों अगर सेम लेंथ की हो जाएंगी तो उसका जो हमारे पास एंगल होगा इसे बोलेंगे 1 रेडियन। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, अब देखो जो पूरे अगर बात करता हूँ तो जो सर्कमफेरेंस होती है बच्चों वो कितनी होती है? पूरे 2πr। तो अगर एंगल की बात कर रहे हैं कंप्लीट तो ये हो जाएगा 2πr अपॉन r, तो कितना हो गया 2π। कोई दिक्कत? अब मैं ये कह सकता हूँ कि 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 2π, तो 1 डिग्री कितना होगा 2π अपॉन 360, यानी कि पाई अपॉन 180। और अगर 1 रेडियन की बात करूं तो 2π को नीचे लेकर आओ तो 1 रेडियन हो जाएगा 360 अपॉन 2π, यानी कि 180 अपॉन पाई। अब बच्चों कभी भी आपको डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सपोज करो आपके पास एग्जांपल है 30 डिग्री है, इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो? रेडियन में। तो कैसे करोगे? बस ये ध्यान रखना है आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 180 से, तो कितना आ गया पाई बाय 6। अब 90 डिग्री लो, इसमें करनी है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया पाई बाय 2। तो आप अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, डिग्री से कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई फटाफट इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है किस से बच्चों? रेडियन से डिग्री में, तो कैसे करोगे इसे भी देखते हैं। अभी सपोज करो बच्चों आपके पास एंगल है पाई बाय 3 और आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसमें? डिग्री में। तो कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से। उसमें किसमें कर रहे थे? पाई अपॉन 180 से। इसमें कैसे करेंगे? 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है बात? तो बच्चों हमने तीनों तरह के सिस्टम देख लिया, एंगल के सेक्सागेसिमल सिस्टम देख लिया, सेंटीसिमल सिस्टम देख लिया और फिर सर्कुलर सिस्टम देख लिया। फिर हमने देखा कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बच्चों अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने बच्चों? 6।
अब उनको याद करने की ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। देखो भाई, हमारे पास होते हैं साइन, हमारे पास होता है कोस और हमारे पास होता है टेन। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का होता है सेक और टेन का होता है कोट। ठीक है बच्चों, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई करते हैं वो बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, क्लियर है। अब जिस पर बच्चों एंगल होता है, इस पर एंगल है तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेस, और जो 90 के सामने होता है ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो परपेंडिकुलर। क्लियर है, जिस पर एंगल है वो बेस, 90 के सामने हाइपोटेनियस बच्चों हमेशा फिक्स रहेगा। अब मान लो बाई चांस आप इधर एंगल लोगे तो बेस ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ये बदल सकते हैं लेकिन हाइपोटेनियस वही रहेगा। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब याद कैसे रखोगे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज होती है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन, और इनका उल्टा ये होता है कोसेक, ये होता है सेक और ये होता है कोट। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब देखो साइन, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है इसमें परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। कोस क्या है, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, तो बी सी। हाइपोटेनियस क्या है, तो वो बच्चों हमारा है ए सी। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, तो है ए बी, और बेस क्या है, तो है बी सी। कोसेक देखो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इसका उल्टा, ए सी अपॉन ए बी। सेक क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी ए सी अपॉन बी सी, और ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया, बी सी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या बताया कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। याद कैसे रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इन तीनों के जो हमारे रेसिप्रोकल हैं वो ये हैं, कोसेक सेक और कोट। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, कुछ आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। साइन थीटा बच्चों 1 अपॉन कोसेक थीटा हो सकता है, या कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो सकता है। क्लियर है, ऐसे ही कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा हो सकता है, और सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा हो सकता है। ऐसे ही हम यहां ले सकते हैं कि टेन थीटा आपका 1 अपॉन कोट थीटा हो सकता है, और कोट थीटा आपका 1 अपॉन टेन थीटा हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो कुछ और आइडेंटिटी। अब देखो, जो टेन थीटा है, अगर मैं बच्चों इन दोनों को डिवाइड कर दूं, किनको, साइन को और कोस को डिवाइड कर दिया जाए, साइन और कोस को अगर आप डिवाइड करो, देखो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आ गया, ये क्या है, देखो ये क्या है, तो ये है आपका टेन थीटा। क्या है ये आपका, टेन थीटा। तो एक और याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर है। अब देखो बच्चों, आप इसका उल्टा भी तो कर सकते हो, कि कोस को ऊपर कर दो साइन को नीचे, तो क्या बन जाएगा, कोट। भाई यही तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोस अपॉन साइन बन जाएगा बच्चों कोट थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई, जल्दी से फटाफट लिखो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, चलो भाई कुछ और आइडेंटिटीज की ओर जा रहे हैं। बच्चों तीन आइडेंटिटीज और हैं जो आपको याद रखनी है।
वैसे तो याद होंगे लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट हमारे पास होती है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। क्लियर है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक होती है वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और एक होती है वन प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और वन प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटी बच्चों आपको याद रखें। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, कुछ वैल्यूज हैं एंगल की, जो डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारे पास, टेबल जो है वो भी आपको देखो याद करनी है। जैसे भाई, जीरो डिग्री पर ये यूज होती है, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। अगर आपको तीन वैल्यू याद है तो उनकी उल्टी करके आप तीन और बना सकते हैं। इधर अगर मैं साइन लेता हूँ तो साइन जीरो बच्चों क्या होता है? जीरो। साइन 30 हमारा हाफ होता है, ये हमारा 1/√2 है, ये √3/2 है और ये 1। ठीक है बच्चों? और इसको बनाने के लिए क्या याद रखना है आपको कि आप यहाँ पर सबकी जगह 1, यहाँ पर आप स्टार्ट करें नंबरिंग 1, 0, 1, 2, 3, 4, और सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं। और सबके ऊपर रूट लगा दो। तो क्या करा, पहले लिखा 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड और रूट लगा दिया, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। 4/4 1, 3/4 का हो गया √3/2, 2 से 4 को काट दिया 1/√2, 1/2 0। अब क्या करो, इधर से लिखना शुरू करो तो कोस की बन जाती है, उधर से 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। ऐसे ही अब आप इनको डिवाइड कर दो, 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करो, 1/√3 इन दोनों को डिवाइड करो, 1√3 नॉट डिफाइंड। अब आप क्या कर सकते हो, इनको उल्टा करके कोसेक सेक और कोट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो देखो, कोसेक जीरो का उल्टा याद रखोगे नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा याद रखोगे जीरो। अब 1/2 का उल्टा हो गया 2, इसका हो गया √2, इसका हो गया 2/√3 और 1। क्लियर है? चलो भाई, अब देखते हैं sec थीटा का। sec थीटा का इसका उल्टा कर दो, कितना आएगा 1, 2/√3, √2, 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब आप क्या कर सकते हो, tan का रेसिप्रोकल कर दो, कितना आएगा cot, तो tan का ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, ये हो गया √3, ये हो गया 1, 1/√3 और 0। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट इसे नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, अब देखते हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसके अंदर ऑल कैसे है? पॉजिटिव। ठीक है भाई, इसके अंदर सिर्फ साइन और कोसेक तो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव। इसके अंदर बच्चों टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसके अंदर बच्चों कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो आप याद कर सकते हो ऐसे कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो बच्चों देखो, ऑल यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ये सभी कैसे हैं बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसके अंदर देखो ऐसा आ रहा है, तो आप एस पे फोकस करें। एस मतलब कितना हो गया? साइन और उसका
रेसिप्रोकल, तो ये पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर देखें आप टी, टी फोर हमारा हो जाएगा 10 और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोट, और ये हो गया आपका सी, सी हो गया कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। क्लियर है इतनी बात? तो अगर आप ये इस तरह से याद रखो कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कोट और फोर्थ में कोस और सेक। चलो बच्चों, और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि साइन के अंदर कभी माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर फेंक देता है। ध्यान रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। क्लियर है इतनी बात? और कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और कोट माइनस थीटा होता है माइनस कोट थीटा। यानी कि सिर्फ कोस और सेक के अंदर अगर हम माइनस रखते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, अब देखो बच्चों एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब कभी भी 90 प्लस माइनस हो रहा हो या 90 का पसी ध्यान रखो, 90 का ओड मल्टीपल यानी कि 270 प्लस माइनस हो रहा हो या 540 प्लस माइनस हो रहा हो, बस आप इतना ही याद रख लो, 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस, क्योंकि एक क्वाड्रेंट पे बहुत है। ठीक है बच्चों, तो 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस हो तो आप समझ लेना कि जो साइन होगा वो कोस में बदल जाएगा और कोस बदल जाएगा साइन में। अभी मैं बता रहा हूं कैसे, ठीक है। और टेन जो होगा वो कोट में बदल जाएगा कोट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। ठीक है बच्चों, अब चलो देखते हैं कैसे। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने बताया था जब भी साइन 90 प्लस माइनस हो तो साइन किस में चला जाएगा, कोस में। अब इस एंगल की ओर ध्यान दो, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? चलो भाई, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई जल्दी से फटाफट इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चों अब हमारा आते हैं कि 90 प्लस में देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब 90 माइनस में तो पता चल गया क्या हो रहा है। देखो बच्चों, अब उसको और देख लेते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा बच्चों हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये कहानी तो किसी होगी 90 माइनस की, पर ध्यान रखना जैसे ही बच्चों हम 90 प्लस करेंगे ना तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड में, और सेकंड में सिर्फ दो चीज पॉजिटिव है बाकी सब निगेटिव है। ध्यान रखना, देखो साइन 90 प्लस थीटा, मैंने बताया कि जब कभी भी 90 प्लस माइनस होता है तो साइन बदल जाता है किस में, कोस में। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा। साइन कैसा है तो पॉजिटिव है। अब आते हैं कोस पर, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो कोस कैसा है इसमें, निगेटिव, तो ये साइन लगाना मत भूलना। बस ये तो ध्यान रहेगा कि भाई साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में, लेकिन कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है ये आप यहां से ध्यान रखेंगे कि सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है बाकी सब निगेटिव है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, फिर आता है टेन 90 प्लस थीटा, ये किस में चला जाएगा, कोट में। टेन चला गया कोट में, और टेन कैसा है इस क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब देखते हैं कोट 90 प्लस, तो कोट चला जाता है किस में, टेन में, और कोट कैसा है बच्चों इसमें तो नेगेटिव। चलो भाई, और आते हैं कोसेक 90 प्लस, अब देखो कोसेक किस में जा रहा है, सेक में, और कोसेक कैसा है, पॉजिटिव।
क्लियर है। कोसेक कैसा है? पॉजिटिव। उसके बाद आता है सेक। तो सेक 90 प्लस थीटा हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, और आपका सेक जो होता है वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। बस सिर्फ दो ही पॉजिटिव हैं, एक कोसेक है और एक साइन है, बाकी सब आपके कैसे हैं? नेगेटिव है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो 90 माइनस हो गया, 90 प्लस हो गया। अब देखते हैं 180 माइनस 180 प्लस, हटा दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई देखते हैं, अब 180 माइनस और 180 प्लस, एक चीज का ध्यान रखोगे 180 में नहीं चेंज होते, जब कभी भी आपका ध्यान रखना 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो, 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो, तो साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कोट कोट ही रहता है, कोसेक कोसेक ही रहता है, और सेक सेक ही रहता है। ध्यान रखोगे ये तब है जब आपका 180 प्लस या 180 माइनस है, उसके आगे के प्लस माइनस बदलेंगे लेकिन साइन साइन ही रहेगा। चलो देखते हैं कैसे। तो साइन 180 माइनस थीटा, अब देखो तो साइन थीटा ही रहना है। अब प्लस माइनस देख लो, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 180, तो 180 से छोटा ही है तो सेकंड ही क्वाड्रेंट है। प्लस कोस 180 माइनस थीटा, कोस ही रहेगा लेकिन माइनस का, क्यों? क्योंकि कोस इस क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव। फिर आते हैं टेन पर, 180 माइनस थीटा क्या रहेगा? टेन लेकिन माइनस, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में टेन कैसा है? नेगेटिव। फिर आते हैं कोसेक 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। फिर आते हैं किस पर? हमारा कोसेक तो पॉजिटिव है इसमें, क्लियर है इतनी बात? सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। सेक 180 माइनस थीटा, तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? कोट और रह गया, कोट और देख लेते हैं। 180 माइनस थीटा, क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि भाई हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ और साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं बाकी सब नेगेटिव है, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, और इसमें कोस और सेक। जब कभी भी 90 प्लस या 90 माइनस होगा तो बच्चों साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, कोट टेन में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा और सेक कोसेक में। लेकिन अगर 180 प्लस माइनस और 360 होंगे तो ये चेंज नहीं होते, लेकिन उनके आगे के जो प्लस माइनस के साइन हैं वो इसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों जल्दी से फटाफट इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या हो गया? 90 माइनस हो गया, 90 प्लस हो गया, 180 माइनस हो गया। अब आते हैं 180 प्लस पर। चलो भाई 180 प्लस देखते हैं क्या कहता है। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो मैंने बताया था साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बच्चों? अभी थर्ड में, 180 प्लस थर्ड में, और थर्ड में साइन कैसा है? नेगेटिव। ऐसी कोस 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? ये भी माइनस का। मैंने बताया कि 180 प्लस या माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता, बस उसके आगे के प्लस माइनस साइन बदल जाते हैं, वो आप डिसाइड करोगे इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलो भाई अब आता है टेन 180 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा? ये देखो पॉजिटिव है, टेन थीटा कैसा है? पॉजिटिव। और कौन पॉजिटिव है? तो कोट। चलो पहले कोसेक देख लेते हैं, तो ये तो नेगेटिव ही रहना है, सेक भी क्या रहेगा बच्चों? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। और कोट कैसा हो जाएगा? तो बच्चों पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं?
क्लियर है। चलो भाई 180 माइनस हो गया, 180 प्लस हो गया, 90 माइनस हो गया, 90 प्लस हो गया। अब देखते हैं 270 वाला, क्लियर है। चलो भाई 270 और देख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अब हमारे पास आता है 270। अब देखो बच्चों कोस 270 प्लस थीटा, चलो पहले माइनस की बात करते हैं, साइन 270 माइनस थीटा। देखो बच्चों 270 मैंने आपको बताया था कि साइन कोस में जाएगा, कोस साइन में, ये तो कन्फर्म है। अब देखो 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, ये होता है 90 इतना, फिर ये 180, फिर ये 90, तो 270 याद होगा, 270 इससे छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, हाँ है ना भाई, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव है, टेन और कोट, ये दिमाग में रखोगे। तो साइन बदलेगा तो कोस में, भाई साइन किस में चला जाता है 270 प्लस माइनस, कोस में। और साइन कैसा है तो निगेटिव है, कोस कैसा है तो निगेटिव है, क्लियर होगी दोनों बात। चलो भाई अब आता है टेन, टेन देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, टेन चला जाएगा कोट में, लेकिन टेन कैसा होता है, पॉजिटिव। चलो भाई कोसेक 270 माइनस थीटा, कोसेक किस में जा रहा है बच्चों, तो सेक में, माइनस के सेक थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक चला जाएगा किस में, कोसेक में। और कोट किस में चला जाएगा, टेन में, लेकिन कोट होता कैसा है, तो भैया पॉजिटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 270 हमारा हो गया। अब आते हैं किस पर बच्चों, 270 प्लस पर, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आसान है बिल्कुल, बस आप दिमाग में ये रखें कि 90 पर बदल रहा है और प्लस माइनस कैसे बदल रहे हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलो बच्चों अब देखते हैं हम किसको 270 प्लस माइनस, प्लस को 270 माइनस तो देख लिया। चलो भाई अब 270 प्लस, ये दिमाग में रखोगे बदलेगा, साइन कोस में और कोस साइन में बदलेगा। चलो भाई साइन 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में चले गए, 270 प्लस फोर्थ में, तो साइन बदल जाएगा, तो साइन तो निगेटिव होता है, लेकिन कोस कैसा है बच्चों, देखो पॉजिटिव है, तो कोस हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्लियर है। अब आते हैं किस पर, 10 पर, 270 प्लस 10 बदलेगा कोट में, लेकिन निगेटिव रहेगा, क्लियर है। अब आते हैं कोसेक, तो कोसेक तो बच्चों किस में जा रहा है, सेक में, लेकिन कोसेक क्या है इस क्वाड्रेंट में, निगेटिव। आप इसे देखना, उसे नहीं, इसे जो पहले वाले होते हैं, साइन कैसा था, निगेटिव, कोस कैसा था, पॉजिटिव, टेन कैसा है, निगेटिव, सेक कैसा है, तो बच्चों पॉजिटिव है, वो सेक किस में बदलता है, कोसेक में। और लास्ट हमारे पास है कोट 270 प्लस थीटा, तो ये बन गया माइनस का, क्योंकि इसमें सिर्फ कोस और क्या से पॉजिटिव है, एक तो हमारा कोस पॉजिटिव था, एक सेक था, बाकी सब नेगेटिव थे, टेन कोट में जा रहा है, कोट टेन में जा रहा है, इतनी बात क्लियर है। अब बचता है लास्ट 360 माइनस थीटा, उसे भी देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 360 माइनस थीटा में बदलता नहीं है, साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है ना। चलो बच्चों अब देखते हैं 360 माइनस थीटा में कैसे बदल रहा है। तो बच्चों साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, मैंने बताया था 360 माइनस प्लस में नहीं बदलता, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, साइन कैसा है, नेगेटिव। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कोस 360 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कोई दिक्कत तो नहीं, टेन कैसा है तो निगेटिव है। अब आता है कोसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक भी कैसा है तो निगेटिव है, सेक कैसा है तो बच्चों पॉजिटिव है। और लास्ट बचता है कोट 360 माइनस थीटा, यानी कि कोट थीटा, वो भी निगेटिव,
केवल कोस और सैक पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव हैं। तो इससे बच्चों हमने क्या देख लिया कि किस तरह से टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वाड्रेंट में अपने साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। 90 प्लस पर क्या है, 90 माइनस पर क्या है, 180 प्लस पर क्या है, 180 माइनस पर क्या है, 360 प्लस 360 माइनस, ये हमने देख लिया। क्लियर है इतनी बात, फटाफट लिखो। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले और देखते हैं टिग्नोमेट्री के जो हमारे यूज होते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अगर आपने इतना मैथ सीख लिया तो समझ लो आपकी फिजिक्स में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 11th और 12th में इससे ज्यादा मैथ यूज ही नहीं होगा। चलो भाई, अब हम क्या देख रहे हैं, कुछ फॉर्मूले। जैसे बच्चों साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन a कोस a। क्लियर है। चलो भाई, ऐसे बच्चों कोस 2a का फॉर्मूला याद रखोगे, ये हमारा होता है एक तो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक ये भी याद रख सकते हो 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा साइन 2a और कोस 2a, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। चलो बच्चों, अब देखो हमारे पास आते हैं साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला भी काफ़ी यूज होता है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसे ही हमारे पास है साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कोस बी। अगर प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही हमारे पास होता है कोस, बस कोस में उल्टा है, जब माइनस होता है तो प्लस होता है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे ही हमारे पास है कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है बात इतनी, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब अगर इन दोनों को ऐड करना है तो बच्चों ये कट जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल टू आ गया कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। क्लियर है, हाँ है ना। अब अगर इन दोनों को माइनस कर दें, किनको, इन दोनों को, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं पहले, देखो इसको जब माइनस करेंगे तो ये चीज कट जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 कोस ए साइन बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कोई दिक्कत। अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। क्लियर है इतनी बात, यानी कि एक बार इन दोनों को प्लस किया है, एक बार दोनों को माइनस, ऐसे एक बार इन दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस, चार फॉर्मूले तैयार हो गए। क्लियर है इतनी बात। अब आप टेन का भी याद रखोगे, टेन ए प्लस बी, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही एक है टेन ए माइनस बी का, इसे भी याद रखना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए और टेन बी। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे किसके हो गए, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले, फटाफट लिखो, बढ़ते हैं फिर आगे। तो बच्चों साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू
और cos c माइनस डी बाई टू। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब देखते हैं साइन c माइनस साइन d, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये बच्चों। तो इसमें बच्चों cos वाले में प्लस हो जाएगा और साइन वाले में माइनस। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास है cos c माइनस cos d, पहले प्लस देखते हैं, 2 cos c प्लस d बाई टू और cos c माइनस d बाई टू। क्लियर है? चलो भाई फिर होता है cos c माइनस cos d, तो 2 sin c प्लस d बाई टू और sin d माइनस c बाई टू। क्लियर है? तो बच्चों कुछ बुकों में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है c प्लस d बाई टू और sin c माइनस d बाई टू। इस बात को ध्यान रखोगे कि ये d माइनस c है और यहाँ पर c माइनस d है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। क्लियर है इतनी बात? अब हमारे पास एक लॉ होता है, लॉ ऑफ साइंस। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और a b c, a के सामने की साइड a, b के सामने की साइड b और c के सामने की साइड c, तो a अपॉन साइन a इजिकल टू b अपॉन साइन b इजिकल टू c अपॉन साइन c। ये क्या है? साइन रूल। ऐसे ही बच्चों एक कोसाइन रूल भी होता है, यानी लॉ ऑफ कोसाइन। वो भी क्या कर बच्चों, इनका काम मेन ये है कि अगर आपके पास एंगल पता है तो आप साइड निकाल सकते हैं और साइड पता है तो एंगल निकाल सकते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें आपका कोस ए इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, कोस बी होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, और कोस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। इस तरह से याद कर सकते हो कि जो एंगल है बस वो वाला निगेटिव है, ठीक है ना। और एक और याद कर लेना कि अगर एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्लास नाइन्थ में देखा था, हीरोन्स फॉर्मूला होता था एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर जो एस होता था वो सेमी पैरामीटर होता था बच्चों, ए प्लस बी अपॉन सी बाय टू। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसे नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं अब नया टॉपिक हमारा है लॉगरिथम, ठीक है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी लॉगरिथम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग से। ये जो नीचे होता है बच्चों इसे हम बेस बोलते हैं और ये हमारा मान लो कोई नंबर है, ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये क्या है बच्चों? बेस। और ये हमारा जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं वो नंबर होता है। इस बेस के अकॉर्डिंग हम लॉग को बच्चों दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दो टाइप्स मान सकते हो। अगर जो बेस है वो ई है तो ये जो लॉग होता है इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, और अगर बेस हमारा 10 है तो बच्चों उसे बोलते हैं कॉमन लॉग। यानी कि ये हो गया लॉग, इसका बेस ई और इसका बेस हो गया 10। क्लियर है? अब ये लॉग क्या है वो देखो, अगर आप किसी भी नंबर का लॉग ले रहे हो, कोई नंबर है आपके पास जैसे 1000 है, ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर का क्या लेते हो लॉग, तो किसी गिवन बेस के रेस्पेक्ट में सपोज करो इसका बेस मैं क्या ले रहा हूं, यही बेस ले रहा हूं मैं 10, क्या ले रहा हूं मैं बेस 10। तो ये कहता है कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द पावर टू विच द रेज बाय अ बेस। मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर का लॉग लेते हो किसी भी बेस के रेस्पेक्ट में, तो वो उसकी पावर होती है जो बेस की क्या है, रेस की हुई है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने में। क्लियर हो इतनी बात? यानी देखो हमारे पास नंबर क्या था 1000, किसके रेस्पेक्ट में लिया हमने, 10 हमारा बेस था, तो इसकी जो वैल्यू है वो वही होगी जो इस बेस की पावर है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है इतनी बात? तो क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस। क्लियर है इतनी बात कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस
इज द पावर, इज द पावर टू विच, टू विच द बेस raised, to which the base must be raised to represent that number. क्लियर है बात इतनी कि अगर हम किसी भी बेस, हमने देखो ध्यान से सुनो एक बार और, logarithm of a number, यानी किसी भी नंबर का हम क्या ले रहे हैं, log ले रहे हैं किसी गिवन बेस के रेस्पेक्ट में, तो वो उसकी पावर होगी जो उस बेस ने कंटेन की हुई है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने में। दोबारा सुनो कि अगर हम क्या कर रहे हैं किसी भी नंबर का log लेते हैं तो किसी गिवन किसके रेस्पेक्ट में जो बेस हमें दिया हुआ है तो उस बेस की जो पावर होगी वही बच्चों क्या होगा उसका log की वैल्यू होगी। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई जैसे और भी देख लेते हैं। जैसे बच्चों बेस हमारा 10 है, 10 में नंबर ले लूँ 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल 5। क्लियर है। और एक चीज़ आप याद रखोगे कि अगर बेस और नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखना ये बात। कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी मैं लिख देता हूँ। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में आपको दिए हुए हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये लॉग बेस ई होता है बच्चों, इसे कहीं कहीं पर एलएन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी अगर एलएन लिखा होगा तो आप समझना आना उसको लॉग बेस ई है। क्लियर है बात इतनी। तो कहीं पर भी लॉग बेस ई है तो उसका मतलब क्या है, एलएन। तो लॉग एम इंटू एन, इसका मतलब क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में चले गए, और डिवीजन में है तो कहाँ चले जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में। और अगर किसी की भी पावर दी हुई है, जैसे यहाँ पर पावर है एन, तो ये पावर बच्चों आगे आ जाती है। कहाँ आ जाती है, आगे। और अगर बेस की पावर है, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ एन, तो वो जो पावर होती है बच्चों वो डिवाइड में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, डिवाइड में। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं आपको याद रखनी है। इतनी बात क्लियर होगी कि लॉग है क्या। तो एक सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी नंबर का लॉग ले रहे हैं किसी गिवन बेस के रेस्पेक्ट में, तो वो उसकी पावर होती है जो पावर उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस बेस के ऊपर है। क्लियर है इतनी बात। कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। अब आप लॉग टेबल से कैसे लॉग को देखेंगे वो हम सीखते हैं, वो हमारा मेन पार्ट है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई फटाफट इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, लॉग टेबल से जब हम लॉग की वैल्यू को देखेंगे तो उसमें हमारे मेन दो पार्ट ही होते हैं। एक होता है बच्चों करेक्टरिस्टिक्स, और एक होती है मेंटिसा। उन दोनों पार्ट को हमें निकालना सीखना है। क्लियर है इतनी बात। तो कौन कौन से पार्ट देखने हैं बच्चों हमें, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। ठीक है बच्चों, तो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा ये हमारे दो पार्ट है। पहले हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक्स आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, जबकि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होती है। अब ये हैं क्या वो देखते हैं। मान लो आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास है 1.432, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि पॉइंट या आपका जो डेसिमल पॉइंट है इससे पहले, इसे मैं दो केस में आपको डिवाइड कर दूं। एक केस में ले लेता हूं जब नंबर जो है बच्चों 1 से बड़ा है, और एक बार लूंगा जब नंबर 1 से छोटा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 का तो लॉग 0 होता है। ठीक है, अब ये देखो अगर नंबर 1 से बड़ा है तो आपकी क्या कंडीशन रहेगी। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे 1.43 ये ले लिया, 1.43। अब अभी देखो कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है। डिजिट पर ध्यान रखना, इस से पहले कितनी डिजिट हैं ये देखो आप। तो एक डिजिट है, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट हो उसमें से एक कम कर दो। कितना कर दो, एक कम, तो कितना हो जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक्स, कितना हो जाएगा, तो इसकी बच्चों करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 1-1 यानी कि 0। क्लियर है। चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मैं ऐसा अगर 14.3 लिख लूँ, अब डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 2, तो एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अब 1.43 ले लिया, कितनी है, 3 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 3-1 यानी कि 2। क्लियर होगी इतनी बात। तो मैंने क्या बताया कि जब कभी भी आपका नंबर 1 से बड़ा है तो आप ये देखें डेसिमल पॉइंट से पहले कितनी डिजिट हैं, जितनी भी डिजिट हैं उसमें से एक कम कर दो, आपका करेक्टरिस्टिक्स निकल गया। क्लियर है इतनी बात।
कोई दिक्कत तो नहीं, चलो भाई। अब देखते हैं जब n की वैल्यू 1 से छोटी है, n की वैल्यू 1 से छोटी है तो एग्जांपल मैंने लिया 0.143 लिया, क्लियर है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है डेसिमल पॉइंट और 1 के बीच में कितने जीरो हैं, डेसिमल पॉइंट और 1 के बीच में कितने जीरो हैं, कितने जीरो है बताओ, एक भी नहीं है। तो इसका जो हम करैक्टरिस्टिक पार्ट निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, माइनस कितने जीरो हैं तो जीरो, एक बढ़ा दो। और बच्चों हम इसको वार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा और देखते हैं एग्जांपल। अब बताओ कितना होगा, डेसिमल पॉइंट और डिजिट के बीच में कितने जीरो हैं तो 1, तो हम लिखेंगे माइनस 1 प्लस 1, तो हम इसको लिखेंगे 2। पार से रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं 0.00143 कितने जीरो हैं, 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, क्लियर। और देखो कितने जीरो हैं, 3, तो कितना हो गया, क्लियर है। ये हमारा करैक्टरिस्टिक्स पार्ट है, जब 1 से बड़ा है और तब जब 1 से छोटा है। अब देखते हैं बच्चों मेंटीशिया, ध्यान रखना मेंटीशिया पार्ट दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो, सिर्फ कौन सा पार्ट बदलता है, करैक्टरिस्टिक्स, मेंटीशिया वाला पार्ट नहीं बदलता, क्लियर है इतनी बात तो। चलो बच्चों अब देखते हैं हम क्या मेंटीशिया, चलो भाई लिख लिया, चलो भाई फटाफट बढ़ते हैं फिर आगे। अब हमें निकालना है मेंटीशिया, एग्जांपल देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 1.43, करैक्टरिस्टिक समझ में आ गया, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं 1, 1 में से 1 गया 0, तो इसका करैक्टरिस्टिक पार्ट तो आपको पता ही चल गया कितना है 0। अब देखो मेंटीशिया, मेंटीशिया क्या कहता है, जैसे ही आपने करैक्टरिस्टिक्स पार्ट निकाला तो आप जीरोस और डेसिमल को भूल जाओ, अब यहाँ कोई भी पॉइंट वॉइंट नहीं है, आप सब भूल गए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है 14 और 3 ये है। तो आप क्या करें, दो डिजिट को देखें, किसको, दो डिजिट यानी 14 को, इस 14 की वैल्यू को आपको देखना है 3 पर, कुछ इस तरह की। बच्चों आपके पास लॉग टेबल होगी, बुक के पीछे दी होती है, तो ये आपका जो है पहला वर्टिकल कॉलम दिया हुआ है, इसमें आप क्या देखें 14 देखें, तो आपको बच्चों 14 नजर आ रहा होगा, इस 14 की वैल्यू को आप कहां देखोगे, 3 पर, तो 14 की वैल्यू 3 पर कितनी है, तो 1533, क्लियर है। हमने क्या करा, यहां पे वर्टिकल कॉलम में देखा 14 कहां है, पूछा 14 ये है, तो 14 की वैल्यू को कहां पे देख लिया, 3 पर, 3 पर वैल्यू थी 1553, कितनी है 14 की वैल्यू, 3 पर है 1553। अब इसे लिख देंगे यहाँ पर पॉइंट लगा के, कितना आ गया 1553, कितना आसान है, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर मुझे निकालना होता 14.3 तो करैक्टरिस्टिक्स कितना होता, कितने डिजिट हैं, 2, एक कम कर दो तो हो गया 1। मेंटीशिया वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। मैं लेता हूँ 143 तो करैक्टरिस्टिक्स कितना पार्ट हो गया, 2, लेकिन मेंटीशिया वही रहेगा। तो बस दिमाग में रखना है मेंटीशिया नहीं बदलता, सिर्फ क्या बदलता है, करैक्टरिस्टिक पार्ट। अभी तो 3 डिजिट थी, 4 हो जाए तो कैसे करोगे, जैसे इसी में ले लेता हूं 1.434। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 1, एक में से एक गया 0। अब आप 14 की वैल्यू 3 पर देखो, कहां पर, 14 की वैल्यू 3 पर, अभी देखी थी तो क्या आया था 1553, 14 की वैल्यू 3 पर देखी तो आया 1553। अब देखो जो आगे है ये 4, यहां पर बच्चों आपको ये डिफरेंस नजर आ रहे होंगे, तो आप क्या करो उसी 14 में आगे जाओ और 4 पर डिफरेंस देखो, देखो ये था 14 की वैल्यू 3 पर, तो ये हो गई ये वाली। अब हमें क्या जाना है, डिफरेंस, तो अगर हम डिफरेंस देखें तो हमें 4 पर जो डिफरेंस नजर आएगा वो 12 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 12, ये रहा डिफरेंस इसका। 14 पर 3 पर वैल्यू देखी तो आई 14 की वैल्यू 3 पर कितनी आई थी 1553, फिर हमने क्या करा 4 पर डिफरेंस देखा तो बच्चों 4 पर डिफरेंस था 12, तो आप इस डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 1565, तो ये हो गया 1565। क्या करना है दोबारा सुनो, पहले दो डिजिट की वैल्यू को तीसरे पर देख लो, देख लिया, उसके बाद जब चौथा देखोगे तो चौथी डिजिट का जो होता है वो डिफरेंस देखते हैं, ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है उसका डिफरेंस देख लो। और अगर पांच दी होती जैसे 1.4345 होती तो करैक्टरिस्टिक्स पार्ट तो जीरो ही है, 14 की वैल्यू 3 पर देखते तो कितना आता 1553, क्लियर है इतनी बात। तो 14 की वैल्यू तो हमारी 3 पर आ गई 1553, 4 पर डिफरेंस कितना आया था 12।
अब 5 पर भी दोनों डिजिट पर डिफरेंस देख लो, 4 पर भी देख लो और 5 पर भी देख लो। तो 4 पर डिफरेंस कितना था बच्चों 12 और 5 पर डिफरेंस है कितना 15, 4 पर है 12 और उस पर है 15। अब इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करेंगे कितना होता 15 और 12 का डिफरेंस 3, तो बच्चों हो जाएगा 1556। क्लियर है इतनी बात? तो क्या बताया मैंने कि जब कभी भी आपको दो डिजिट दी हुई हैं तो आप देखो भाई, तीन में तो क्या था सिंपल कि 14 की वैल्यू तीन पर देख ली, काम खत्म। एक वैल्यू बढ़ी तो हमने उसके डिफरेंस को ऐड कर दिया, डिफरेंस आपके आगे दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। और तीसरी बात, अगर आपके पास पांच डिजिट हैं तो आप दो, ये जो दो हैं इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करो, उन दोनों का डिफरेंस देख लो और उनका जो डिफरेंस है उसे ऐड कर दो। क्लियर है इतनी बात? तो तीन डिजिट का भी निकाल सकते हो, चार का भी, पांच का भी। क्लियर है वो होता है इतना पांच का। तो अब आपके पास आता है क्या कि अगर ये इसका जो वन से छोटा होता तब कैसे निकालते, उसे भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे इसी को मैं ऐसे कर देता हूं, अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये देखो कि जो आपके पास डेसिमल पॉइंट और डिजिट के बीच में कितने जीरो हैं, तो एक भी नहीं है। तो जीरो प्लस वन तो कितना हो गया वन, तो उसका आगे बार लगा दो और मेंटीशिया वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो ऐसे निकाल लो। कितने जीरो हैं, एक जीरो, एक बढ़ाओ तो कितना हो गया दो। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमने लॉग टेबल से देखा, क्या सीखा कि भाई जो लॉग होता है उसमें हमें दो चीजें देखनी है, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीशिया। करेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने दो पार्ट तोड़ दिए, वन से बड़ा और वन से छोटा। जैसे ही वन से बड़ा है तो उसमें आप क्या देख रहे हो कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, डिजिट देख रहे हो और एक को कम करके लिख दे रहे हो। और अगर हम क्या देख रहे हैं, वन से छोटा, तो डेसिमल पॉइंट और डिजिट के बीच के जीरो को लिख रहे हैं और एक बढ़ा के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आगे आपको निकालना। तो बच्चों अब देखते हैं एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, फटाफट इसको लिखो। तो बच्चों अब देख रहे हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में क्या है, जैसे बच्चों आपको किसका निकालना है, सपोज करो आपके पास है 2.2521, इसका आपको एंटी लॉग निकालना है। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले ये देखो कि पॉइंट से पहले क्या नंबर है। नंबर ध्यान, कंफ्यूज मत होना, वहां डिजिट थी यहां नंबर है, कि पॉइंट से पहले क्या नंबर है। तो पॉइंट से पहले क्या नंबर है, 2, उसमें एक बढ़ा के 10 की पावर में लिख दो। कितना बताया मैंने कि जो भी नंबर है उसमें एक बढ़ा के, इस नंबर में एक बढ़ा के 10 की पावर में लिख दो और इसे आप भूल जाओ। अब देखो, अब टेबल उठाओ और टेबल में आपको 25 की वैल्यू को कहां देखना है, 2 पर। 25 ये आपके पास टेबल होगी ऐसी, आप क्या करें 25.25 की वैल्यू को कहां देख रहे हो, 2 पर। तो जो बच्चों 0.25 की वैल्यू अगर 2 पर देखोगे तो वो है 1786। क्लियर है? मैंने क्या बताया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उस नंबर में एक बढ़ा के 10 की पावर में लिख दो, फिर 0.25 की वैल्यू, 0.25 की वैल्यू 2 पर देखो तो 1786 है और डिफरेंस देख लो कहां पर, 1 पर। 1 पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 0 है, ऐड करोगे तो यही आएगा 0.1786, तो आंसर हो जाएगा 1.786 10 की पावर 2। चलो एक और देख लेते हैं। अगर आपको निकालनी है 3 बार पॉइंट, इसी की मान लेते हैं 2521, ये है। अब देखो ये क्या है, -3 है, इसमें अगर आप एक बढ़ाओगे तो पॉइंट -2 ही तो होगा, मैंने आपको बताया था ना माइनस है ये, तो इसमें आप एक बढ़ा दो कितना हो गया -2। भाई -3 में अगर एक बढ़ाओगे तो बच्चों -2 ही तो होगा, तो कितना हो गया 10 की पावर -2, फिर 0.25 की वैल्यू को 2 पर देखो तो वही आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? तो क्या करना है, सबसे पहले देखना कि डेसिमल पॉइंट से पहले क्या नंबर है, उसमें एक बढ़ा के 10 की पावर में लिखना है, उसके बाद जो हमारे पास डिजिट हैं दो डिजिट की वैल्यू तीसरे पे देखो, अगर चौथी भी है तो उसके डिफरेंस को, उसके डिफरेंस को ऐड कर दो। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अच्छी बात है। तो ये हमने लॉग और एंटी लॉग निकालना सीखा। अब एक चीज और देख लो कि बेस कैसे बदलते हैं। अगर आपके पास सपोज करो बेस 10 नहीं होगा, कुछ और दे दे, मान लो आपका पास बेस ए और ये बी है और आप बदलना चाहते हो 10 में, तो क्या ध्यान रखना है। देखो बच्चों ऊपर भी लॉग लिखो और नीचे भी,
अब आपकी जिसमें आप बेस बदलना चाह रहे हो उसे लिख दो। आप मान लो 10 में लाना चाह रहे हो तो यहां दोनों जगह 10 10 लिख दो, ऊपर की वैल्यू ऊपर लिख दो और नीचे की वैल्यू नीचे। तो इससे आपका क्या होगा, बेस भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बच्चों, तो ये हमने क्या निकालना सीख लिया, लोग। अब देखते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। क्लियर है इतनी बात तो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन, कि कैसे अब डिफरेंशिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, चलो भाई क्या है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, चलो भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। आप ये जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट, यानी कि जो y है वो x पर डिपेंड करता है। आपने x को बढ़ाया तो y भी बढ़ जाएगा। मान लो आपने x को डेल्टा थोड़ा सा चेंज कर दिया, डेल्टा x से बढ़ा दिया, तो y भी बढ़ गया। कितना बड़ा, दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो डेल्टा y आ गया f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। क्लियर है इतनी बात? मैंने क्या करा, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, तो क्या आ गया बच्चों, दिस। क्लियर है इतनी बात? अभी जो आपको चेंज दिखाई दे रहा है, इस चेंज को मैं बहुत छोटा कर दूं, मतलब लिमिट लगाऊं, और इस चेंज को, लिमिट का मतलब क्या होता है कि हम, देखो भाई लिमिट क्या है कि हम उस पॉइंट की ओर टेंड कर रहे हैं, उस पर पहुंच नहीं रहे, मतलब मैं इसे जीरो की ओर ले जा रहा हूं, जीरो नहीं कर रहा हूं, मतलब जीरो के बहुत नजदीक लेके आ रहा हूं। तो ध्यान रखना ये लिमिट का, लिमिट क्या होती है कि ये बता रही है कि आपका जो डेल्टा एक्स है ना वो जीरो की ओर जा रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। तो ये बन जाता है डी बाय डी एक्स। ये जो डेल है ये किस में चेंज होगा, डी, डी क्या है, स्मॉल चेंज, बहुत छोटे चेंज को दिखा रहा है। तो बच्चों इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हमें ये बता रहा होता है कि अगर हम एक्स में स्मॉल चेंज करते हैं तो वाई में उसके करस्पॉन्डिंग क्या चेंज मिल रहा है वो हमें देता है। और इसका अगर बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये हमें स्लोप देता है, ढलान जो होता है वो प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पास कोई भी कर्व है और इस कर्व पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस पर ये स्लोप, जो स्लोप का मतलब समझो कितना एंगल है, ये स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट, ये टेन थीटा, ये प्रोवाइड करने का काम बच्चों ये करता है कौन, डिफरेंशिएशन। क्लियर इतनी बात को, ये हमें इतना नहीं सीखना, बस हमें इसके फॉर्मूले लर्न करने हैं, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, इतनी बात तो क्लियर होगी। चलो भाई अब देखो इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं जो आपको याद रखने बहुत सही से। तो क्या क्या हैं इसके फॉर्मूले, देखो भाई सबसे पहले हमारे पास किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो जीरो होता है, और एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो वन होगा। और अगर आप किसी की पावर, ध्यान रखना अगर एक्स की पावर एन है तो पावर आगे आ जाती है और एक हो जाता है कम। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। क्लियर है? चलो भाई साइन एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अगर बात करें किसकी बच्चों, टेन एक्स की, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। क्लियर है? जो कोटेक्स है बच्चों उसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे आपको लर्न रहे, बिल्कुल तगड़े से याद करने हैं। और कोसेक एक्स का जो होता है वो माइनस का कोटेक्स और कोसेक एक्स होता है। क्लियर है बात? छः के छः हो गई है। चलो भाई एक याद रखना है, ए की पावर एक्स का जो होता है वो ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। क्लियर है? अब ध्यान रखना जितने भी आप मैथ में डिफरेंशिएशन करोगे उसमें लोग का जो बेस होगा वो हमेशा ई रहेगा, ध्यान रखना सबका जो बेस रहेगा वो ई रहेगा। अगर लोग की बात करें तो लोग एक्स का बच्चों वन अपॉन एक्स होता है। एक इसका भी याद रख लेना, साइन इनवर्स एक्स का,
ये आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और कोस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप इतने याद रख लेना, इससे ज़्यादा आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। क्लियर है? अब इसमें देखो रूल्स हैं कुछ, जैसे मैं स्टार्ट करके एग्जाम्पल्स आपको समझाऊँ। सबसे पहले देखते हैं इसमें चेन रूल के। चेन रूल क्या होता है? ये तो सिंपल से आपके भाई, अगर आपसे किसी ने ऐसा डिफ्रेंसिएशन पूछा कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 3 है, तो कितना आसान है। देखो हम सबसे पहले देखेंगे कि x की पावर n का होता है nx n माइनस 1, मतलब जो भी पावर है आप इसको अलग अलग करके लिख लो चाहो तो ऐसे x स्क्वायर, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे और इसका करोगे, तो इसका तो जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपका जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम, पावर आगे और एक पावर कम। पावर कितनी थी यहाँ पर n, तो n n माइनस वन, यहाँ कितनी थी 2, 2 में से एक गया एक, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई और देख लेते हैं। जैसे आपसे कहे जाए डिफरेंशिएशन करो आप e की पावर x का और log x का, तो बच्चों e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x और log x का क्या होता है 1 अपॉन x। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भैया अब आपको मैं थोड़ा सा चेन रूल बता दूं जो आपके काम का है। क्या कहता है ये, इसमें छोटे छोटे से आपके तीन रूल याद रखने हैं आपको, चेन रूल, पर्ड रूल और क्वेश्चन रूल, कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई में है तो कैसे करोगे। चलो भाई अब देखो बच्चों, आपको सपोज करो इसका निकालना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आप क्या सोचो, इसे पूरे को दिमाग में ना अपने x सोच लो, क्या सोच लो x, थोड़ी देर के लिए। x स्क्वायर का क्या होता है 2x, इसे x सोचना है, सोचना x है, लिखना यही है, तो क्या होगा पावर आगे आ गई और ये हो गया, सही है ना, मतलब इसे आपने क्या सोचा था x, तो x स्क्वायर का क्या हो गया 2x। अब जिसे आपने x सोचा था उसका कर दो, जिसे आपने x सोचा था, द्वारा सुनो, अगर कभी भी ऐसा हो कि बहुत सारे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आप सीधे फॉर्मूले ना लगा पा रहे हो, तो आप क्या करें, एक तो ये रास्ता यह है कि इसका होल स्क्वायर करके करें, दूसरा रास्ता है कि इसे दिमाग में क्या सोच लें x, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, जिसे आपने x सोचा अब उसका कर दो। चलो भाई इसका करते हैं, तो कितना आता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब देखो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसे साइड में रखते हैं, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों 2x और कॉन्स्टेंट का 0। एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों दिए हो ना तो कांस्टेंट को साइड में रख देते हैं, फिर हम एक्स का करते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल कांस्टेंट है और अकेला कांस्टेंट होता है बच्चों, तो उसका 0 हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब देखते हैं कि पर्ड रूल क्या है। अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हों, जैसे ऐसे दिए हुए हैं, साइन एक्स भी दिया हुआ है और e की पावर x भी दिया हुआ है, दोनों दे दिए, तो आप क्या करोगे एक बार में सिर्फ एक का, अगर आप साइन एक्स का कर रहे, साइन एक्स को ऐसे ही रखो, किसका कर दो, किसी भी एक का एक बार में करना है, मैंने e की पावर x का करा, इसको ऐसे ही रखा और अगली बार को इसको ऐसे ही रखूंगा और साइन एक्स का, द्वारा सुन लो क्या बताया मैंने, कि एक बार में एक ही फंक्शन का करना है, अगर साइन एक्स का करना है तो e की पावर एक्स को ऐसे रखना है और e की पावर एक्स का करना है तो साइन एक्स को। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब फॉर्मूले सीधे से लगा दो, e की पावर एक्स का होता है e की पावर एक्स और साइन एक्स का होता है बच्चों कोस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई अब हमारे पास होता है क्वेश्चन टूल, अगर दो फंक्शन आपको किसमें दिए हुए हैं डिवाइड में तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए याद रखोगे कि नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे रखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाले को ऐसे रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ इसमें भी, जैसे आपके पास है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करा, फिर ऊपर वाले को ऐसे रखा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का बच्चों क्या होता है कोस एक्स और एक्स का कितना होता है तो 1। क्लियर है इतनी बात? तो ये बेसिक हमें फॉर्मूले याद रखने और तीन चीज़ें याद रखनी है, चेन रूल, पर्ड रूल और क्वेश्चन रूल, अगर फंक्शन डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है या चेन में है। क्लियर है इतनी बात? तो इसे फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब देखते हैं इंटीग्रेशन।
तो बच्चों इंटीग्रेशन जो होता है वो बिल्कुल रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का, किसका, डिफरेंशिएशन का, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका रिवर्स होता है किसका, डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बच्चों देखो आपने देखा होगा सिग्मा, सिग्मा आपने सुना होगा, ये चीज आपकी होती है, ये सिग्मा होता था, इसका मतलब क्या होता था, समेशन, समेशन, समेशन का मतलब क्या होता था, जोड़ना। ये जो होता है डिस्क्रीट समेशन देता था, और जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो आपका कंटिन्यूअस देता है। ये कैसा देता है, कंटिन्यूअस। ये क्या देता था, डिस्क्रीट। ये क्या देता है, समेशन, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस समेशन जो दे रहा है उसे बच्चों हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है बच्चों ये होता है, ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो, जिस भी फंक्शन का करना है उसको आप यहां पर ऐसे लिखते हो। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात, इसे हम दो तरह का ही आपका है, एक होता है बच्चों आपका इनडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या होता है, इसके अंदर आपको लिमिट दी होती है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, इसमें क्या दी होती है आपको, लिमिट। जबकि इनडेफिनेट में आपको कोई लिमिट नहीं दी होती। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया, ये रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का, ये कंटिन्यूअस समेशन होता है, ये इसका सिंबल होता है। क्लियर है। अब देखो फॉर्मूले की अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं x की पावर n से, तो ध्यान रखना है एक पावर बढ़ा देनी है और उसी को नीचे, तो x की पावर n का हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है बच्चों। अब देखो उसमें साइन x का क्या था बच्चों, cos x, तो cos x का क्या था, माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, cos x का क्या होगा तो साइन x, बिल्कुल उल्टा है। वहां पर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, वहां पर cos का क्या होता था, माइनस के साइन, बिल्कुल ठीक वैसे ही है। अब याद करो e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, वहां पर log x का 1 अपॉन x था, तो बच्चों यहां पर 1 अपॉन x का log x होगा। क्लियर है। अब देखो a की पावर x का जो होता है वो होता है a की पावर x अपॉन log a। क्लियर है। वहां पर tan x का क्या था, sec square x, तो sec square x का, सब में बच्चों कांस्टेंट और ऐड कर लेना, क्योंकि जिसमें लिमिट नहीं दी होती बच्चों उसमें हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं पता होते, इसलिए हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। sec square x का होता है बच्चों क्या, tan x। क्लियर है। वहां पर cot x का कितना था बच्चों, cosec square, वो भी माइनस का, तो cosec square x का क्या हो जाएगा, माइनस के cot x, कोई दिक्कत वाली बात। वहां पर cosec x का क्या था, माइनस के cot x cosec x, तो यहां पर cot x cosec x dx हो जाएगा कितना, माइनस के cosec x प्लस, मतलब बिल्कुल उल्टा है। वहां पर साइन इनवर्स x का था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो ये आपको बच्चों बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आएगा, ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखने हैं कि भाई ये भूलना नहीं है, तभी आपकी फिजिक्स मजबूत हो पाएगी। क्लियर है। अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं। क्या बच्चों, बेसिक बातें क्या है कि जैसे स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, सर्कल की क्या होती है, इलिप्स की क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, इन्हें और देख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक। चलो भाई अब देखते हैं, कुछ ग्राफ है हमारे पास जैसे स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की अगर हम इक्वेशन देखोगे सबसे ज्यादा ये यूज होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बच्चों ये जो एम है ये आपका स्लोप होता है, और जो सी होता है वो आपका इंटरसेप्ट ऑन, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पर कहां कट कर रहा है। सपोज करो एक लाइन है ऐसे, तो ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, यानी कि स्लोप m इज इक्वल टू होता है बच्चों टेन थीटा, और ये इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा कि ये वाई एक्सिस को कहां पर कट करता है। जैसे जनरल एक एग्जांपल लेके दिखाऊं मैं आपको, जैसे आपसे कोई कहे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है, और आपसे पूछे इसका m कितना है और इसका इंटरसेप्ट कितना है, तो पहला आप इसको उधर भेजो, 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा। तो ये चीज़ बच्चों आपका स्लोप दिखाती है,
और ये बच्चों आपका इंटरसेप्ट दिखाती है। क्लियर है इतनी बात? तो आसानी से कर सकते हो कंपेयर। ऐसे ही अब देखते हैं सर्कल। तो बच्चों आपको सर्कल की जो इक्वेशन याद रखनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तब होती है जब आपके जो सेंटर हैं वो ओरिजिन हो। क्या हो? ओरिजिन हो। ये क्या है? सेंटर जीरो जीरो, और इसकी जो ये आपको डिस्टेंस है ये आपकी रेडियस है। आर जो है वो क्या है? रेडियस है। और अगर आपको सेंटर जीरो जीरो नहीं है तो आपको ये याद रखनी है एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो एच और के हैं बच्चों वो सेंटर है। क्लियर हो गए सर्कल? चलो बच्चों अब देखते हैं पैराबोला। फटाफट इसको आप लिखो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हमारे पास दो चीजें और हैं, एक है पैराबोला और एक है इलिप्स। इन दोनों को और देखते हैं। चलो भाई पैराबोला, तो बच्चों पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। इस तरह का जब भी आपको इक्वेशन दिखाई देगी तो ये जो पैराबोला है वो आपका ये होगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। क्लियर है इतनी बात? और अगर आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर ए एक्स तो बच्चों इसका जो पैराबोला होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहां पर इसका फोकस होता है जिसके कोऑर्डिनेट ए और जीरो है, तो यहां पर कितने होंगे? माइनस ए और जीरो। ऐसे ही हमारे पास एक पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, वो कुछ ऐसे होगा। ये y है और ये इसका फोकस होता है। अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए वाई का, तो बच्चों उसका पैराबोला ऐसे होगा, जीरो और माइनस ए इसके फोकस होंगे, ये y और x। तो ये चार आपको मेनली पैराबोला दिखाई देंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इलिप्स पर। तो इलिप्स कैसा है? इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये इक्वेशंस है हमारी किसकी? इलिप्स की। अगर बच्चों a और b बराबर हो गए तो ये सर्कल बन जाएगा, और इसकी जो ग्राफ आपको याद रखना है बच्चों वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? एक चीज़ और सबसे ज़्यादा नज़र आएगी कि अगर आपको दिया हो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्ट एक बढ़ाने पर अगर दूसरा घटता है तो ये हमारा क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ भी आपको बहुत बार नजर आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या हो गया? हमारा पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, और हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर ए वाई। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? चलो भाई, तो ये बेसिक चीज़ें जो हमें दिमाग में याद रखनी है। अब हम एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं, वो है हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमम का, कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। तो देखो बच्चों, जब कभी भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा देखना है तो एक चीज़ का ध्यान रखो, जब कभी भी कोई फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले उसे आप फर्स्ट स्टेप होता है कि उसे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद उसे ज़ीरो रखो। रखा, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप यह है कि जो भी पॉइंट आएंगे उन पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन। ये डबल डिफरेंशिएशन क्या है, इसको मैं छोटा सा बता दूं, उसे बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक के बाद एक। जैसे y इज इक्वल टू बच्चों एक्स क्यूब है, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, मैंने बताया था कि पावर आगे आ जाती है। क्लियर है? आपने एक बार और करा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना हो गया? 6x। आपने एक बार और करा तो कितना हो जाएगा? x का 1, और आपने एक बार और किया तो कितना हो जाएगा? 0। तो इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्लियर है इतनी बात? कि एक के बाद डिफरेंशिएशन करते चले जा रहे हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले डिफरेंशिएट, फिर जीरो रखना है। जीरो रखने के बाद जो भी पॉइंट आएंगे उन्हें किस में रखना है? d2 बाय ओवर dx स्क्वायर में, इसमें रखना है।
अगर ये चीज पॉजिटिव आती है तो ये मिनिमम होगा और निगेटिव आती है तो मैक्सिमम होगा। फिर उन वैल्यूज को हम कहां रख देंगे, फंक्शन में। क्लियर है? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये आपके पास है, चलो एक कुछ और ले लेते थ्री। सबसे पहला स्टेप आप इसका डिफ्रेंशिएशन करें, आपने करा एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स माइनस टू, इसको जीरो रखो। तीसरा स्टेप क्या है, जीरो रखना। जैसे ही आप जीरो रखोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वन, वन आ गया पॉइंट। फिर अगला स्टेप क्या है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन और कांस्टेंट का जीरो। तो ये दो कैसा है बच्चों, तो ये पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था पहले डिफरेंशिएट करो फिर जीरो रखो, पॉइंट निकालो, डबल डिफरेंशिएट करके अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ लो इस पॉइंट पर ये मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इसे उठाकर यहां रख दो, वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री, तो वन माइनस टू प्लस थ्री यानी कि टू। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। एक बार और बता रहा हूं मैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक के बाद एक डिफरेंशिएट करना, एक बार किया फिर एक बार और किया, एक बार क्या जितनी बार कहेगा उतनी बार करेंगे। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद बच्चों उसको जीरो रखो, जीरो रखने के बाद आपके क्या आएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। उन पॉइंट पर ये चेक करो कि डबल डेरिवेटिव वो है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ लो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर निगेटिव आ गया तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो बच्चों इस क्लास में हमने इतने सारे टॉपिक कवर करे, अगर आप इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो समझ लो कि आपको 11th में और 12th में फिजिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। खासकर बायो स्टूडेंट को, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो मैथ से घबराते हैं। ठीक है बच्चों? और मैं आपको एक DPP दे रहा हूँ, आप इस DPP को ट्राई करना, और कोई दिक्कत होगी तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चों सिर्फ इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।